तो जैसे कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग का कमेंट आ रहा है कि क्या आंगनबाड़ी का जो है टाइम टेबल चेंज किया गया है, क्योंकि लेटर इस तरह से आप लोग को देखने के लिए मिला होगा कि जैसे कि लेटर जब आई है तो पूरा आप लोग को जो है इसमें लिखा गया नहीं है। लेकिन चलिए इसके बारे में पूरा पूरा जानते हैं कि क्या आज से जो है आंगनबाड़ी का जो है टाइम टेबल चेंज किया गया है या नहीं इस लेटर के अनुसार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को जो है ये लेटर जारी किया गया है 28/2/2023 का, लेकिन बहुत सारा आंगनबाड़ी सबका कमेंट कर रही है कि आंगनबाड़ी का जो है टाइम टेबल चेंज हुआ है या नहीं, तो इसके बारे में पूरा पूरा जानते हैं। क्योंकि जैसे कि इसमें जो है इस लेटर में जो है क्लियर नहीं किया गया है कि आप लोग का आंगनबाड़ी जो है किस समय से किस समय तक चलानी है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो है ICDA से डायरेक्ट आप लोग को ये लेटर जारी किया गया है और सेवा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए दिया गया, यानी कि जो है विषय में देख रहे होंगे मौसम के प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन हेतु समय सारणी के संबंध में, यानी कि जो है मौसम के प्रतिकूलता के अनुसार को स्थिति को देखते हुए आप लोग को जो है आंगनबाड़ी चलानी है। जैसे कि देखिए होता क्या है कि जब टाइम टेबल नहीं क्लियर होती है तो बहुत सारा आंगनबाड़ी सबका कन्फ्यूज़न में हो जाती है। तो इतना तो आप लोग को पता ही है कि जब मान लीजिए कि ज़्यादा लू गिरने लगता है, यानी कि जो ज़्यादा धूप होने लगेगा तो मॉर्निंग तो हो जाती ही है, आपको पता ही है। और जैसे कि देखिए आगे हम लोग देखें महा से उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा मौसम के प्रतिकूलता की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी, यानी कि इससे पहले जो है मौसम के अनुसार जो है जो की गई थी, तो उसमें जो है जैसे कि देखिए ये पिछले बार की बताया जा रहा है कि स्थिति को आंगनबाड़ी केंद्र को संचालन हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी। देखिए कि आपको एक लेटर भी दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अभी आप लोग को ये लेटर दिया गया है, जो पहले आप लोग को ये लेटर जारी किया गया था 28/11/2022 को, उसमें जो है आप लोग को इसी पे आधारित था कि मौसम के जो है प्रतिकूलता को स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करनी है। जैसे कि देखिए हुआ था क्या कि जैसे कि जब ग्रीष्मकालीन केंद्र संचालन का समय आप लोग को दिया गया था 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक जो है आप लोग को 7:30 से लेकर 11:30 बजे तक आप लोग को चलानी, यानी कि आप लोग देखिए जब अप्रैल आएगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक अगर आप लोग को ज़्यादा लू धूप आ जाती है तो आप लोग को जो है यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये चलानी है इसी के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आप लोग को जो है इससे पहले आप लोग का याद है जब शीतकालीन यानी कि ज़्यादा ठंडा पड़ रही थी तो 1 अक्टूबर से लेके और यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो 31 मार्च तक यानी कि 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक आप लोग को चलानी थी। इसके अनुसार आप लोग को जो है सबसे पहले आप लोग को जो है आधा घंटा पहले आप लोग को जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है केंद्र पे जो है उपस्थित हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है एक लेटर और भी हो सकता है कि आएगी कि आप लोग को जो है टाइम टेबल का हो सकेगा तो होगा, क्योंकि आप लोग को देख रहे होंगे कि ये 31 मार्च तक ही था जो आप लोग को 9:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक चलानी थी। अब 1 अप्रैल जब आएगी तो 1 अप्रैल से जो है 30 सितंबर तक 7:30 बजे से लेकर जो है 11:30 बजे तक आप लोग को जो है आंगनबाड़ी चलानी है। उसके अंदर में अगर होती है जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा धूप पड़ने लगी या आप लोग को जो है समय यानी कि जो मौसम गड़बड़ाने लगती है तो आप लोग को जो है सुबह में भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि अपने जिला अंतर्गत जैसे कि यहाँ पर देखिए कि आप लोग को दिया गया है जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्र समान अनुसार संचालित सुनिश्चित कराया जाए, यानी कि आप लोग इस तरह से देख रहे होंगे कि अपने जिला के अनुसार आप लोग को जो है लेटर आएगी, ऑफिशियल लेटर आएगी कि कितना जैसे कितना बजे आप लोग को आंगनबाड़ी चलानी है। बाद बाकी ये डायरेक्ट आप लोग को ICDA से जारी किया गया था। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर अपने आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पर कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी मिलते रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।